देखिए, जब कल कोर कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें हमें यह सोच समझ कर चलना है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसने चिल्ला चलाकर मां बेटे की राजनीति का सुपड़ा साफ करने की तैयारी कर ली है। यह परिवारवाद की राजनीति हमारी पार्टी के लिए घातक है। वो कुछ भी झूठ नहीं बोलता। 10 साल रिमोट की सरकार थी। मां बेटे इस पार्टी का सफाया कर देंगे, कितनी अकल है उसे बोलने की आप हम सब जानते हैं। कब तक हम ढोएंगे उसको? और हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। कल जिस तरीके से उसने लोकसभा में एक एक सवाल का जवाब दिया है, उसने करारे तमाचे दिए खींच खींच के, और हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। भले हम चिल्लाते रहे प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, हम तर्क नहीं दे पा रहे, हम कुतर्क करते हैं। हम गलत थे, हमारी पार्टी गलत थी, हमारी नीतियां गलत थी, हम मां बेटे के गुलाम कब तक? जितनी जितनी उसको गालियां दी जा रही हैं, उतना उतना वो मजबूत होता जा रहा है। आज वो विश्व में इतना शक्तिशाली नेता बन चुका है कि अच्छे अच्छे देश उसे सलाम करते हैं। ये हमें देखना होगा, सोचना होगा। परिवार की इस राजनीति से बाहर तो लाना पड़ेगा कांग्रेस को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और क्या हमने ठेका लिया है क्या इस पार्टी की जिंदगी भर गुलामी करने का? हम और हमारे बच्चों को कब नंबर मिलेगा? क्या बोलता है, कैसे बोलता है, खुद को मालूम नहीं चलता। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठे हैं उसे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। कल कोर कमेटी की मीटिंग में आप सब लोगों को सोच समझकर अपने अपने विचार प्रकट करने हैं। राष्ट्रहित की भी सोचनी है और अपने हित की भी बात सोचनी है। हमने जो गलतियां की हैं उनसे सबक सीखना होगा, और जब तक हम सबक नहीं सीखेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं आ सकते।